तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन स्क्वायर सबका सॉर्टेड रेडी। बेसिकली हम वो क्वेश्चन देखेंगे पहले, देन वी विल डिस्कस डिस्कस सम ऑफ इट्स अप्रोचेस। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ट्राई करेंगे कोड करने का, बट अगर कोड नहीं हो पाया तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली उसका नेम है स्क्वायर सब सॉर्टेड रेडी। तो हम पहले ट्राई कर रहे हैं उसके कुछ अप्रोच डिस्कस करने करने के लिए। तो बेसिकली मैं उसके तीन अप्रोचेस बताऊंगा आपको कि पहले क्या कर सकते हैं, मतलब ब्रूट फोर्स क्या है। देन उसके बाद ब्रूट फोर्स से क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज पे जाएंगे। देन ऑप्टिमाइज से हम लोग प्रॉपरली ऑप्टिमाइज पे जाएंगे कि हाँ, अगर ये आपका कोड है तो इसको अगर आप सपोज कि आपके इंटरव्यू ने आपसे पूछा कि ठीक है ये क्वेश्चन है, आप पहले इसके मुझे अप्रोच बताओ, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली जो आपका ऑप्टिमाइज अप्रोच है बेस्ट अप्रोच वो बता दोगे। नहीं, तो आपको पहले मैं ब्रूट फोर्स बताऊंगा। दो अप्रोच है ब्रूट फोर्स के, पहले आपको वो बताऊंगा, देन मैं उसके बाद बताऊंगा उसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है, जो सबसे अच्छा अप्रोच है ओ ऑफ एन का, वो बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ये करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, बट उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैनल के बारे में। तो दिस चैनल इज ऑर्गेनाइज बाई न्यूटन स्कूल। तो न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग सीख सकते हो, आप जॉब ले सकते हो। एंड जॉब लेने के लिए क्या है यहाँ पे कि आप पहले सीखो, आप जॉब ले लो, उसके बाद आपको पे करना है। ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग पहले पैसे पे करने हैं, आप पहले यहाँ पे पढ़ो, आप एक आप यहाँ पे आओ, कोई टेस्ट दो, देन यू विल गेट अ जॉब। आप यू हैव टू पे फ्रॉम योर सैलरी, ये हो सकता है, ये एक पार्ट है। अगर आप फीमेल कोडर हो तो आपके लिए अलग से बहुत सारे ऑफर्स हैं न्यूट्रल की तरफ से, बहुत सारे हायरिंग्स होते हैं इनकी, आप यहाँ पे जाके इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एंड इनका एक वेब डेवलपमेंट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, हो गया है या फिर होने वाला है, जनवरी से आप चेकआउट कर लो। इस सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन जो हमारा है स्क्वायर से सॉर्टेड है, स्क्वायर पे सॉर्टेड है ये क्वेश्चन है हमारा लीड कोड का 9977। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी टैग में है और एक्चुअली इजी होना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली इजी है भी। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है बहुत बहुत ही यहाँ पे। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि ठीक है क्वेश्चन इजी है, आप पहले क्वेश्चन देखो क्या है, फिर मुझे बताओगे इस क्वेश्चन को अगर आपको मैं करने बोलूँ तो कैसे करोगे आप। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन, आप देख लो एक बार कैसे करोगे, फिर मुझे बताओ। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले जो अप्रोच वन है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। तो ठीक है, लेट मी ओपन माई पेन। ये देखो ये हमारा क्या है क्वेश्चन, हमें ना एक इंटीजर एरे गिवन है, ये हमें इंटीजर एरे गिवन, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी प्रेजेंट हो सकती है, निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, हमारे पास पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं हमारे एरे में। ठीक है, ये हमारे एरे में पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है। ठीक है, ये है हमारा एरे। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये ना सॉर्टेड है, हमें जो एरे गिवन है वो पहले से भी सॉर्टेड है। ठीक है, जैसे ये हमारा एरे गिवन है 3 4 5, ये एक सॉर्टेड एरे है। ये देखो हमारे पास एरे है जी -1 0 1 2 3, ये हमारा सॉर्टेड एरे है। हमें इस टाइप के कुछ एरेज गिवन है यहाँ पे, मतलब एक एरे गिवन होगा जो कि सॉर्टेड होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, रिटर्न एन एरे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग। तो बेसिकली क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज देखो ये आपको एरे गिवन है -4 -1 0 3 10। अभी जो ये एरे है ना, ये एरे आपका सॉर्टेड है, क्या है सॉर्टेड है। एंड अब जो आपको इसका इसमें क्या करना है, आपको ना इस एरे का स्क्वायर लेना है, इस एरे का स्क्वायर लो और वो स्क्वायर जो लोगे ना इन सारे नंबर्स का स्क्वायर ले लो। पहले इन सारे नंबर स्क्वायर क्या आएगा, 16 1 0 9 100। ठीक है, ये आपको आ गया स्क्वायर आ गया, बट ये स्क्वायर सॉर्टेड नहीं है, आपने जो अभी स्क्वायर लिया वो सॉर्टेड नहीं है। इनको क्या करो, सॉर्ट कर दो 0 1 9 16 100, ये हो गया सॉर्टेड हो गया। तो ये एरे था, ये आपको सॉर्टेड एरे गिवन था, एंड इसका ये एरे, इस एरे का स्क्वायर है, इस एरे का स्क्वायर है सारे एलिमेंट्स का जो कि सॉर्टेड है, आपको ये रिटर्न करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आपको ये रिटर्न करना है, आपको ये क्वेश्चन है। तो इसमें इसको ना आपको सबसे पहला अप्रोच क्या आएगा, इसका ना सबसे पहला अप्रोच मैं डिस्कस करता हूँ। इसका सबसे पहले अप्रोच नंबर वन क्या आएगा, अप्रोच वन सबसे पहले आप सोचोगे तो क्या अप्रोच आएगा, इसकी जरा बताना, मैं आपको हिंट देता हूँ। इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एन लॉग इन आ जाएगी। ठीक है, एन लॉग इन आएगी टाइम को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरा देखना कैसे बनाओगे आप इसको। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अप्रोच वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। अब बताना कौन सी किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसके लिए तीन, मेरे पास ना तीन अप्रोच है, अप्रोच 1 2 3, ये सबसे पहले जो अभी मैं ही डिस्कस करने वाला, इसके बाद इससे इससे थोड़ा बेटर अप्रोच आएगा, इसके बाद ये जो तीसरा अप्रोच होगा बेस्ट अप्रोच होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ तीनों को अलग अलग वीडियो बनाऊ बताऊँ तो आप देख पाओ कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या इसको अप्रोच वन कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले ये देखना आपको एरे गिवन है ना, तो क्या करो इनको इसको ना इस सबका स्क्वायर ले लो, इन सबका स्क्वायर ले लो अपने एरे में, ले लो अपने स्क्वायर कितना आएगा 16 1 0 9 100।
100, ये आपका स्क्वायर आ गया एरे का। अब क्या करो, सॉर्ट कर दो इसको, सॉर्ट कर दो, क्या 01 9 16 100 हो गया आपका एरे, ये आपका अप्रोच वन था। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, स्टेप वन क्या था, अप्रोच यहाँ मैं लिखता हूँ, ये अप्रोच वन है आपका। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, सबसे पहला स्टेप था यहाँ पे, स्टेप वन क्या था आपका, ट्रेवर्स द एरे एंड टेक स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, ये सबसे पहला आ गया। इसमें वो कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन लगेगा टाइम इसमें, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा आपको, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, सॉर्ट द एरे, उसका रिटर्न की रिटर्न कर दो, रिटर्न द एरे, ठीक है। इसमें लगेगा आपको लॉग एन टाइम लग जाएगा सॉर्ट करने में, तो हो गया ना एन लॉग एन, यहाँ पे एन लॉग एन हो गया, ठीक है। जरा इस अपने कोड पे देखते हैं, कोड करके देखते हैं क्या हो गया कुछ में, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है इसमें। तो देखो ये कोड तो चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रेंट तो नहीं है, यहाँ पे आई थिंक फॉलोअप में ही नहीं दिया हो गया कि आपको, देखो यहाँ दिया गया फॉलोअप में, दिया गया ना, दिया गया होगा ना यहाँ पे, स्क्वायरिंग ईच नंबर एंड सॉर्टिंग द न्यू अरे वेरी वाइड ट्रिवियल, मतलब बहुत ही ईजी है कि सबका स्क्वायर ले लो और सॉर्ट कर दो, ये तो बहुत ईजी है, जो कि मैंने भी अप्रोच मैंने बताया आपको। कुड यू फाइंड वन सॉल्यूशन यूजिंग डिफरेंट अप्रोच, हाँ जी ये भी करेंगे, बट इससे पहले सबसे इसको देखते हैं, इसको करके देखते हैं हम लोग। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, से क्या करो, हर एलिमेंट का स्क्वायर लो और वहां पे प्लेस कर दो, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई इनटू एरे ऑफ आई, हमने इसका स्क्वायर लिया और वहां पे प्लेस वहां पे पुट कर दिया। अब क्या करते, सॉर्ट कर दो, हम सॉर्ट कर दिया हमने इसको, रिटर्न भी कर दो सॉर्ट करके इसको, यहाँ पे नम्स है, ठीक है, यहाँ पे एरे नहीं है, नम्स है यहाँ पे, ठीक है। जरा देखते हैं इसको रन करके, देखते हैं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट का आता है, एरे डॉट सॉर्ट होता है ना, ठीक है, देख लेते हैं इसको रन करके। यहां से रिटर्न करते हैं, सीधा रिटर्न नहीं कर सकते हैं मे बी, यहां से रिटर्न करते हैं इसको एंड आप देखते ट्राई करके क्या रन हो रहा है कि नहीं। हो गया, देखिए सैंपल कैसे चेक करते हैं इसको, ठीक है, ये भी सैंपल केस तो पास हो रहे हैं, सबमिट कर देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी सबमिट भी हो गया ये, तो ये ना आपका अप्रोच वन था, ये क्या था आपका अप्रोच वन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको तो ये आपका था, एक मिनट, ये आपका अप्रोच वन था जो कि बहुत ही ट्रिवियल था, ठीक है, बहुत ही इजी अप्रोच था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले इसका अप्रोच टू, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके ओ एफ एन में कर देंगे, ठीक है, स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे बट ओ एफ एन में कर देंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरा अप्रोच जहाँ पे हम स्पेस भी कॉन्स्टेंट रखेंगे और टाइम भी ऑफ वन ऑफ कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ठीक है इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, आप ट्राई करना दूसरा अप्रोच, काफी ईजी है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच।